इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक ट्विस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लेकर के आ गए हैं आपकी किस्मत के सितारों की चाल। और क्या कहता है आज आपके तारों का हाल, बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और साथ ही साथ पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। जानेंगे कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल और कैसे बनाना है आज आपके दिन को बेहतर, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी के लिए चाहते हैं हमसे गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही साथ जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, फिर देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसे रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो दूर करेगा आपके घर का कलह कलेश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सुखद अच्छे भविष्य का स्वप्न सपना आज साकार होगा। मायूसियां आज खत्म होंगी। आज के दिन आपके सभी विचारे हुए सोचे हुए जो काम हैं वो पूरे हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटें, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनों का साथ आज के दिन को आपका सार्थक बना देगा। आर्थिक प्रयासों का जो तत्काल प्रतिफल मिलेगा, तुरंत फल मिलेगा, जिस प्रकार के फायदे और लाभ आप अपने तरीके से लेना चाहते हैं उसमें जरूर अभी कुछ रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान करें, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, कई दिनों के बाद अच्छे सौभाग्य का संकेत आपको मिल सकता है। काफ़ी समय से कोई जो आपका अटका हुआ कोई धन है या कोई ज़रूरी कार्य जो आपका अटका हुआ है वो आज या तो धन प्राप्त हो सकता है, वो जरूरी कार्य जो है वो आज बन जाने से आपकी जो प्रसन्नता है वो बढ़ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहे तो आपको अपनानी है बस ये आसान सी टिप्स। अगली राशि के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंडित जी, महेश जी अपनी पत्नी नारायणी के लिए पूछना चाह रहे हैं। 18/10/74 जन्म तारीख है और सुबह 6:07 का जन्म है इनका, बीकानेर का। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, खुश है। 19 अक्टूबर है सर, 18 नहीं है जी। 19 अक्टूबर 1974, 6:07 सुबह का समय है जी। बताएं का जन्म स्थान है जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। अभी वर्तमान समय कैसा चल रहा है, भविष्य इसका कैसा रहेगा, इस बारे में थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा पूछना है, कैसा रहेगा। देखिए, दो तीन चीज़ें इनकी जन्म कुंडली में हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो शुक्र है, वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह इनके लग्न में नीच का होके बैठा है। सूर्य ग्रह इनकी जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में नीच का होके बैठा है। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में नीच का होके बैठा है। 9 में से 3 ग्रह तो नीच के होके बैठ गए।
कोई ग्रह उच्च का होता है तो शुभ परिणाम देता है, नीच का होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। वृश्चिक राशि है जन्म से इनकी। वृश्चिक राशि पे अभी शनि की साढ़े साती भी शुरू हो गई है। शुक्र की महादशा, शनि का अंतर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शनि है वो साढ़े साती से पीड़ित हो चुका है। तीन चार चीज़ें जो आपको करनी है, एक तो तुरंत प्रभाव से आने वाले शनिवार को मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला जिसमें जोड़ नहीं हो, कटा हुआ नहीं हो, वो एक पूरा छल्ला जो है वो इनके मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात में दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का जो सेवन है उसको बंद करवा दीजिए। एक कलश ले लीजिए स्टील का, उस कलश में 7 तरह का अनाज भर के शुक्रवार के दिन आपकी पत्नी के सिर के ऊपर 7 घर घुमा के उस कलश को मंदिर में दान कर दें अनाज समेत। एक ही बार आपको उपाय करना है। हो सके तो नहाने के पानी में स्नान जब करते हैं तो उस जल में थोड़ा सा 1-2 चम्मच कच्चा दूध गाय का अगर डाल दें और उसके बाद स्नान करें तो जो शुक्र की जो नेगेटिविटी है उससे फ़ायदा मिलेगा। सूर्य जो जन्म कुंडली में नीच का है, नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करें। थोड़ा सा समय संभल कर चलने का है। स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखना जरूरी है। वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला जाएं, गाय को खिलाएं, निश्चित तौर पे पूरा वर्ष जो है वो स्वस्थ इनका जो शरीर बना रहेगा। महेश जी, थोड़ी परेशानियां जरूर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी के दिए हुए अपनाए उपायों से कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। पंडित जी, हमारे अगली कॉलर आशा जी हैं, अपनी बेटी कविता के लिए पूछना चाहती हैं। 16/5/2002 जन्म तारीख है और रात के 11:20 का जन्म है इनका, अजमेर का। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए आप। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। मैं अपनी छोटी बेटी कविता के लिए पूछना चाहती हूँ कि ये आगे भविष्य में पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आगे जाके इस बच्ची को क्या करवाना चाहिए और इसका भविष्य कैसा रहेगा। और पंडित जी, अक्सर ये बात होती है बच्चों में कि एग्जाम देने जाते हैं बच्चे तो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का जो सवाल है, 5 ग्रह एक साथ में, 9 में से 5 ग्रह इसके एजुकेशन हाउस के अंदर आके बैठ गए। शनि भी वहाँ बैठा है, सूर्य भी वहाँ बैठा है, बुध भी वहाँ बैठा है, 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्प दोष बना हुआ है, राहु भी वहाँ बैठा है, सर्प दोष बना हुआ है, पितृ दोष बना हुआ है, सब कुछ एजुकेशन हाउस से ही बना हुआ है। अभी तो बहुत छोटी बच्ची, जब थोड़ा सा 12 साल की जब बच्ची हो जाए, 12 साल से ऊपर 15-1 साल के आसपास में, तब एक तो ग्रह शांति अवश्य करवा दीजिएगा, पितृदोष की शांति और उसके साथ साथ में काल सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। इस बच्ची का भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसी अवस्था में देखा गया है कि या तो ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम करते हैं या ये बच्चे बिल्कुल एक नॉर्मल एजुकेशन पे आ जाते हैं। तो आप यदि आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची शिक्षा के क्षेत्र में नाम करे तो निश्चित तौर पर आपको जो मैंने आपको कुछ पूजाएँ बताई हैं आने वाले समय में, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रही बात इसकी कि बच्चे जो पढ़ाई करते वक्त घर में तो सब कुछ याद रहता है, एग्ज़ाम देने जाते हैं जो भूल जाते हैं, उसके लिए कुछ विशेष चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो जिस बिस्तर पे बच्चे सोते हों उस बिस्तर में बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए और कभी भी उस बिस्तर में बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। आजकल बच्चों की आदत है कि बिस्तर में बैठे बैठे लेटे लेटे पढ़ते हैं, टेबल कुर्सी छोड़ दी, टेबल कुर्सी पर उनको बैठाने की आदत डालिए और जब वो पढ़ते समय उनका जो मुख हो वो पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो, पढ़ने वाले कमरे में नॉर्थ वॉल पे यानी उत्तर दीवार पे या पूर्व दीवार पे एक पेंडुलम वॉच लगाएं, पेंडुलम वॉच जिसमें वो पेंडुलम हिलता है वो वॉच लगाएं। निश्चित तौर पे वो बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव वे में कर देता है और बच्चों की जो याददाश्त में जो कमी आती है उससे उनको मुक्ति मिलती है। जी आशा जी, तो आपको भी मिल गए हैं अपनी बेटी के लिए गुड लक टिप्स। पंडित जी, एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अरुणा जी हैं, अपनी बेटी निहारिका के लिए पूछेंगे। 12/1/90 जन्म तारीख है और सुबह के 8:25 का इनकी बेटी का जन्म है, कोटा का। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पंडित जी से अपने सवाल कर सकती हैं। जी अरुणा जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज धीमे कर लीजिए और अपना सवाल कीजिए। हाँ जी पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। मैं मेरी बेटी की, हाँ
हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ मेरी बेटी का गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं। वो अभी बीटेक करा हुआ है और प्राइवेट क्षेत्र में है, सर्विस कर रही है तो। और उसके शादी में बहुत विलंब हो रहा है, तो जरा उसके लिए थोड़ा सा बताइए। उसको कोई दोष उस तो नहीं है? और उसकी शादी की मतलब बात कैसे रहेगी, लाइफ कब तक शादी होगी, ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, जिस बच्चे की आपने जन्म कुंडली भेजी है, उस बच्चे की जन्म कुंडली में जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, निश्चित तौर पे सन 2015 जो है उसमें यदि वो कोई कंपटीशन फाइट करती है तो उसका सिलेक्शन होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, इस बच्ची के लग्न में राहु बैठा है। राहु कहीं ना कहीं दिमाग को फ्लक्चुएट कर देता है। आपको ज़िंदगी में करना क्या है उस चीज़ का डिसाइड करना बहुत जरूरी है। फ्लक्चुएशन जो पार्ट है उसको थोड़ा कम करें। 2015 में यदि ये मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, कंपटीशन की तैयारी करती है, तो फरवरी मार्च के पश्चात में जो भी रिजल्ट आते हैं वो इसके फेवर में होंगे। और रही बात विवाह की, तो सन 2015 के अंत तक में ही इसके विवाह का योग बन रहा है। नेक्स्ट ईयर एंड तक में अच्छा घर इसको प्राप्त होगा। लेकिन चंद्रमा केतु का ग्रहण योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। द्वादश स्थान में सूर्य शनि दोनों एक साथ बैठ चुके हैं। पितृदोष इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। उस तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही इस बच्चे की शादी करनी चाहिए। अच्छी तरीके से गुण मिलाकर ग्रहों को देख के ही शादी की बात आपको बढ़ानी चाहिए। और साथ साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये बच्ची लव मैरिज की तरफ नहीं बढ़ने पाए। अपनी पसंद से अगर शादी करती है तो निश्चित तौर पे इसको विवाह सुख में कमी आएगी। तो पूर्णतः कुंडली मिलान करके ग्रहों को देखने के पश्चात में ही इस बच्चे की शादी करें, तभी अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद आज के जो दिन हैं उसमें आपको फायदे कम होंगे और नुकसान ज्यादा रहेंगे। जिस वांछित धन की आप लगातार आशा कर रहे हैं वह अभी आपके हाथ में आने से रह सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी बड़ी समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं। नौकरी से संबंधित मामलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अतीत के मामलों को, कोई जो पुराना मामला है उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला अपने पितरों की तस्वीर पर अर्पण करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कामकाज के लिहाज से आज का जो दिन है वो एक सकारात्मक और मन माफिक दिन साबित हो सकता है। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई संशय है, आशंका है, तो आज उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य जो आने वाला है वो बहुत अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दर्शकों, आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है JSK इंटरनेशनल। तो दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे अपने दिन को बनाएं अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन सुबह से ही कोई अच्छा समाचार या लाभदायक सूचना आपको व्यस्त रखेगी। आज आपको मन को शांत रखना है। दोपहर के बाद कुछ सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। आज आपको अपनी सोच को नकारात्मक नहीं बनाना है, थोड़ा सा धैर्य रखें, सब अच्छा होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। धन लाभ के योग हैं, भाग्योदय होने के संकेत मिलेंगे। कारोबार में, रोजगार में मनोवांछित सफलता मिलने से अच्छा जो धन लाभ की आज आपको प्राप्ति हो सकती है।
आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करें, निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वह है धनुराशि। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा, धन लाभ होने के योग हैं। ऑफिस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का अनुभव होगा। ध्यान रखें दूसरों के साथ संबंधों में बिल्कुल स्पष्ट रहें, कोई भी बात गोलमाल तरीके से नहीं करनी है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों जाना आपने कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बेहतर बन जाए। पंडित जी यहाँ पर हमें कॉल लेना चाहेंगे, मोहित जी है 17:11:65 और रात के 8:45 का इनका जन्म है। हालांकि ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, ये अपने भविष्य के बारे में आपसे जानना चाह रहे थे पंडित जी। देखिए मोहित जी, जन्म कुंडली में आपके वैसे ग्रह सारे अच्छे हैं और चंद्रमा की महादशा भी चल रही है अच्छी, सब कुछ बढ़िया। शनि स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, आने वाला जो समय है निश्चित तौर पे आपका जो 2015 है और 16 जो है वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक येलो सफायर पुखराज रत्न आप अवश्य धारण करके रखें, अंगूठे के पास वाली उंगली के अंदर 3.5 या 5.25 रत्ती का गोल्ड में गुरुवार के दिन। नियमित चूँकि राशि का स्वामी जो है भगवान सूर्य स्वयं है, तो निश्चित तौर पे आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, उसके साथ साथ में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, रविवार के दिन गौ सेवा करें तो आपकी सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। जी पंडित जी, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योति जी हैं। 14/4/96 जन्म तारीख है और दोपहर के 3:30 का इनका जन्म है, नवलगढ़ का। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। ज्योति जी कॉल लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। पंडित जी अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जो है भाग्य स्थान में उच्च के होके बैठे हैं, उसके साथ साथ में एजुकेशन हाउस में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही होके बैठे हैं। कुंडली आपकी बहुत अच्छी, लेकिन शनि मंगल की युति बनी हुई, शनि मंगल यदि साथ में हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या दाम्पत्य सुख में कमी कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा करें या आपको उच्च पद प्राप्त हो, तो निश्चित तौर पे आपको सबसे पहला काम तो इस शनि मंगल की शांति करवानी है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ में ये पूजा होती है मंगलवार या शनिवार के दिन। आप इस पूजा को करवा लीजिए, उसके बाद आपका जो लक फैक्टर है वो सपोर्ट करने लगेगा। बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी एजुकेशन लाइफ, आपका करियर, आपका भाग्य सब कुछ अच्छा है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, सिर्फ शनि मंगल की शांति आपको अवश्य करवानी है। जी ज्योति जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। पंडित जी हमारे पास ढेर सारे मेल्स आते हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके लिए भी रिप्लाई करना। यहाँ पर हम एक मेल लेंगे, दीपिका जी हैं, 10/8/88 जन्म तारीख है और सुबह 2:05 का इनका जन्म है, किशनगढ़ का। जी पंडित जी, अपनी जॉब और अपनी शादी के लिए आपसे टिप्स लेना चाहती हैं। देखिए आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी राहु का अंतर चल रहा है। राहु जब जब जिंदगी में आता है तब तब वो अड़चनें पैदा करता है, कोई भी काम को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। और आपकी कुंडली में सबसे बड़ी समस्या है कि आपके भाग्य स्थान में राहु बैठा है। एक कहावत है कि भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, तो सबसे पहले आप अपने भाग्य को अच्छा कर लें। तो कैसे करें अपने भाग्य को अच्छा? हर रविवार को पास में यदि कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे जाएं, उड़द के दाल के बने हुए पकवान, जैसे दाल की कचौरी हो गई, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, वो आपको रविवार के दिन भैरव मंदिर में चढ़ानी चाहिए। और अगर नहीं हो पास में भैरव मंदिर तो वही एक दोने में लेके, कागज़ के दोने में लेके, जो भी पहला कुत्ता आपको दिखे उसको खिला दीजिए संडे के दिन। निश्चित तौर पे जो ये राहु की जो अड़चन है उससे मुक्ति मिलेगी। सन 2015 मई के पश्चात का जो समय है वो आपके विवाह
के लिए सबसे अच्छा समय आ रहा है। नियमित रूप से एक तो आपको तुलसी जी की आराधना करनी है, तुलसी जी में केसर मिला जल अर्पण करना है, घी का दीपक लगाना है, हो सके तो तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी है। यदि आप इन उपायों को तरीके से करती हैं, मन से करती हैं, श्रद्धा से करती हैं, तो 2015 आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। तो दीपिका जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये दिए हुए पंडित जी के टिप्स आपके जीवन में गुड लक ले आएंगे। चलिए अब अंतिम राशियों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज क्या करना है और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बेहतर बन जाए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। परिस्थितियां जो हैं वो एकाएक जटिल हो सकती हैं। कुछ अतिरिक्त काम का बोझ जो पिछले काफ़ी समय से आपके लिए सरदर्द बना हुआ था, आज वो थोड़ा सा कम होता दिखेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। लाभ के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। हमारे जो नौकरी पेशा जो दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो दर्शक हैं, उन दोनों के लिए ही आज का दिन थोड़ा सा सावधानी से बिताने का है। और ध्यान रखें, आज आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करनी है, उसका अनादर नहीं करना, जिद नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे मिलेंगे, दिन अच्छा रहेगा, धन लाभ की संभावना है। मन में जो आज आपका आलस का भाव है, वो आज आपका दुश्मन है, उसको दूर रखें अपने से। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दर्शकों, अब आप जानते हैं कि किन टिप्स को अपनाने से आपका दिन बेहतर बन सकता है। पंडित जी, यहाँ पर हम एक और मेल लेना चाहेंगे। शकुंतला जी हैं, 20/7/88 जन्म तारीख है और सुबह 7 बजे का इनका जन्म है, अजमेर का। ये जानना चाहती हैं कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। पंडित जी, देखिए शकुंतला जी, आपकी कन्या राशि थी जन्म से, उस पे शनि की 7.5 चल रही थी, वो अभी उतर चुकी है नवंबर में। और आपके जो नौकरी व्यापार का जो क्षेत्र का जो मालिक है मंगल, वो भाग्य स्थान में बैठा है। निश्चित तौर पे यदि आप कंपटीशन अगर दें, जो भी आने वाला समय है 2015 की शुरुआत के 3-4 महीने जो हैं, आप कंपटीशन दीजिए, 2015 मई के पश्चात में आपकी सरकारी नौकरी का पूर्ण योग बन रहा है। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्राइंगल मूंगा आता है अनामिका उंगली में, सीधे हाथ में चांदी में आपको मंगलवार के दिन धारण करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। तो दर्शकों, आइए आखिर में जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। यदि आपके घर में एक आम समस्या है, बहुत से फोन आते हैं कि पंडित जी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश बना रहता है, छोटी सी बात भी जो है, एक छोटी सी बात भी है वो भी बड़ी तू तू मैं में बदल जाती है। घर के बाहर तो सब अच्छे रहते हैं, लेकिन घर में घुसते ही एक नकारात्मक माहौल जो है वो किसी न किसी बात में कलह कलेश का वातावरण बना देता है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा कलह कलेश का वातावरण बना रहता हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जो आपके सब क्लेश को, आपके जीवन के क्लेश को, आपके घर के क्लेश को दूर कर सकता है, दुख को दूर कर सकता है, दरिद्रता से आपको मुक्ति दिला सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, निश्चित तौर पे आपके परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, कलह कलेश का वातावरण आपके घर के अंदर कभी प्रवेश भी नहीं कर पाएगा, दुख दरिद्रता आपके दरवाजे से दूर रहेंगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा, साथ ही आपके लिए मददगार भी साबित होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल